हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसएस सरप्राइज। इस वीडियो में आपको 20 मार्च 2024 को जो 10th क्लास का साइंस 2 का महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम हुआ है, इस बोर्ड एग्जाम के कंप्लीट क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यू, रीजनरेशन अकर्स इन डैश। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी, दैट इज प्लानेरिया। मैं आपके सामने कंप्लीट सॉल्यूशन की पीडीएफ ओपन कर देता हूं। देखिए, ये है कंप्लीट सॉल्यूशन की पीडीएफ 20 मार्च 2024 को जो 10th क्लास का साइंस 2 का बोर्ड एग्जाम हुआ है। सेकेंड एमसीक्यू, लैक्टोबैसिलस ब्रेविस गिव्स अस द बीवरेज डैश। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी, कॉफी। उसके बाद थर्ड एमसीक्यू, अ माइनर चेंज अकर्स ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ एनी न्यूक्लियोटाइड इज टर्म्ड एज डैश। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी, म्यूटेशन। फोर्थ एमसीक्यू, एटॉमिक पावर प्लांट इन महाराष्ट्र इज इन डैश। इसका करेक्ट आंसर आएगा तारापुर, ऑप्शन सी। फिफ्थ एमसीक्यू, एग्जाम्पल ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा इज डैश। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए, स्कॉर्पियन। उसके बाद क्वेश्चन बी, सॉल्व द फॉलोइंग। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको ऑड मैन आउट फाइंड करना है। सो इसका आंसर आएगा पॉम्फ्रेट। एंड देन सेकंड क्वेश्चन, राइट कोरिलेशन। स्किन का आंसर है मेलानिन, सो पैंक्रियास का आंसर क्या आएगा, इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर थ्री, स्टेट ट्रू और फॉल्स, प्रोडक्शन ऑफ वेरियस यूजफुल एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स विद द हेल्प ऑफ वाटर इज कॉल्ड ब्लू रिवोल्यूशन। ये ट्रू स्टेटमेंट है। फोर्थ क्वेश्चन, आपको लिखना था फुल फॉर्म ऑफ WHO। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, यहाँ पे मैच द पेयर करना था मेल, सो मेल का जो आंसर आएगा वो रहेगा 44 प्लस एक्स वाई, दैट इज ऑप्शन बी। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2A, गिव साइंटिफिक रीजंस। साइंटिफिक रीजंस के क्वेश्चंस देखने से पहले आप स्क्रीन पर ये जो कंप्लीट सॉल्यूशन की पीडीएफ देख रहे हो, इस पीडीएफ की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है। आप जैसे ही लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, ये पीडीएफ वायलर्न ऐप में ओपन होता है, जो कि महाराष्ट्र बोर्ड का फ्री लर्निंग ऐप है। इस ऐप में आपको प्रीवियस सारे बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर्स, बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, टेक्स्ट बुक, चैप्टर वाइज टेस्ट, बोर्ड एग्जाम टाइम टेबल, बोर्ड एग्जाम पेपर पैटर्न, सारी चीजें इस एप्लीकेशन में स्टूडेंट को फ्री में मिलती है। सो आप लिंक के ऊपर क्लिक करके इस पीडीएफ को देख सकते हो। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक का वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि इस तरह की हाई क्वालिटी सॉल्यूशंस बनाने में बहुत ज्यादा टाइम और बहुत ज्यादा हार्डवर्क लगता है, बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। सो प्लीज अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लेना। और इस चैनल पे आपको इसी तरह सारे बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशन मिलते हैं, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले। आगे का सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है साइंटिफिक रीजन का, थंब टर्टॉइज लिव्स ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, इट कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन क्लास एम्फीबिया। सो देखिए, इसका साइंटिफिक रीजन आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये इसका साइंटिफिक रीजन। सेकंड क्वेश्चन है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी आर कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जीज। इसका क्या साइंटिफिक रीजन है वो आप देख सकते हो स्क्रीन पर, टोटल 4 पॉइंट्स। उसके बाद थर्ड साइंटिफिक रीजन है, वी फील टायर्ड आफ्टर एक्सरसाइज, तो देखिए इसका भी कंप्लीट यहाँ पे साइंटिफिक रीजन। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी, आंसर एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट फोर एडवर्स इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन ह्यूमन बॉडी। सो देखिए, ये फोर एडवर्स इफेक्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर टू, रीड ड्रॉ द कंप्लीट गिवन चार्ट। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल हेल्थ, सो सोशल हेल्थ को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, एनी फोर फैक्टर आपको लिखना था, लाइक एजुकेशन, वाटर, सोशल सेफ्टी, फाइनेंशियल स्टेटस। क्वेश्चन नंबर थ्री, राइट एनी फोर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स विच मस्ट बी थॉट ओवर वाइल कंसीडरिंग द स्कोप ऑफ डिजास्टर। आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत सारे लिखे हुए, लेकिन आपको जस्ट फोर लिखना था, लाइक प्री डिजास्टर फेज, वार्निंग फेज, इमरजेंसी फेज, रिहेबिलिटेशन फेज। क्वेश्चन नंबर फोर, नेम टू फ्यूल्स ऑब्टेन बाय माइक्रोबियल प्रोसेसेस, वाई इज इट नेसेसरी टू इंक्रीज द यूज ऑफ सच फ्यूल्स। आपको लिखना था माइक्रोबियल प्रोसेसेस से जो फ्यूल ऑब्टेन होते हैं, एनी टू फ्यूल्स के नेम, सो मीथेन हो गया, इथेनॉल हो गया, इसके अलावा हाइड्रोजन फ्यूल हो गया। एंड देन आपको बताना था वाई इज इट नेसेसरी टू इंक्रीज द यूज ऑफ सच फ्यूल्स, सो उसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वेयर इज इट मेनली यूजफुल। सो देखिए, ये है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आंसर। एंड देन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को मेनली यूज किया जाता है फॉरेंसिक साइंसेस में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री, आंसर एनी फाइव। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर टोटल तीन क्वेश्चन है 1-1 मार्क्स के लिए। पहला है वाटर विटामिन्स, सो विटामिन्स क्या होते हैं उसका आंसर 1 मार्क्स के लिए। देन सेकंड क्वेश्चन है, क्लासिफाई देम अकॉर्डिंग टू देयर सॉलिबिलिटी, सो बेस्ड ऑन सॉलिबिलिटी विटामिन्स दो कैटेगरी में क्लासिफाई होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल रहता है और एक फैट सॉल्युबल रहता है। एंड देन थर्ड क्वेश्चन है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप एज पर अबव क्लासिफिकेशन। सो वाटर सॉल्युबल का आपको एक एग्जाम्पल लिखना था और फैट सॉल्युबल का, तो देखिए फैट सॉल्युबल जो विटामिन ए रहता है वो फैट सॉल्युबल रहता है, विटामिन बी ये वाटर सॉल्युबल रहता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, स्टेम सेल्स किसे कहते हैं, क्लोनिंग किसे कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, तीनों 1-1 मार्क्स के लिए। तो देखिए, ये है स्टेम सेल का आंसर, ये है क्लोनिंग का आंसर और ये है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री, कंप्लीट द गिवन पैराग्राफ बाय फिलिंग द ब्लैंक्स स्पेसेस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन इन द ब्रैकेट। देखिए, ब्रैकेट में बहुत सारे ऑप्शंस गिवन है, ये ऑप्शंस को आपको यूज करना था इस पैराग्राफ में फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए। तो देखिए, फर्स्ट में आएगा पेट्रोलियम, सेकंड में फैटल, थर्ड में मैकेनिकल, फोर्थ में पिरिडिन्स, फिफ्थ में ऑक्सीजन एंड देन लास्ट वाले फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा कार्बन डाइऑक्साइड।
क्वेश्चन नंबर फोर, ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन। एक पिक्चर गिवन है, इसके बेस पे टोटल 3 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के, ये तीनों क्वेश्चन का आंसर देना था। सबसे पहले ये जो डायग्राम गिवन है इसे आइडेंटिफाई करना था। तो ये किसका डायग्राम है? ये है सेमेटिक ऑफ विंड मिल। उसके बाद सेकंड है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन दिस प्रोजेक्ट। सो इसमें जो सोर्स ऑफ एनर्जी वो क्या रहता है? वो विंड रहता है। एंड देन व्हाई दिस सोर्स इज सपोज टू बी इको फ्रेंडली। सो विंड इज कंसिडर्ड एज इको फ्रेंडली एज इट डजंट इन्वॉल्व द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स विच प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस एज बाय प्रोडक्ट्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है, हॉबीज हेल्पफुल टू ओवरकम स्ट्रेस। स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए क्या क्या हॉबीज हो सकती है? एनी 6 हॉबीज आपको लिखना था। एग्जाम्पल के लिए फोटोग्राफी, रीडिंग, ड्रॉइंग, सिंगिंग, कुकिंग, रेगुलर एक्सरसाइजिंग, एनी 6 हैबिट्स आपको लिखना था। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 6, राइट नेम्स ऑफ एनी 6 मटेरियल्स विच आर टू बी इन द फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड बॉक्स में एनी 6 मटेरियल्स जो रहने चाहिए वो आपको लिखना था। आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे गिवन है, यहाँ पे देखिए मैंने 8 आंसर में यहाँ पे लिखा है, आपको जस्ट एनी 6 लिखना था। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर देखिए टोटल 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के लिए। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन वेस्टिजियल ऑर्गन। तो देखिए वेस्टिजियल ऑर्गन का ये डेफिनेशन हो गया। एंड देन सेकंड है, राइट नेम्स ऑफ एनी 2 वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसे 2 वेस्टिजियल ऑर्गन का नाम लिखना था जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है। सो एग्जाम्पल हो गया ईयर मसल्स एंड अपेंडिक्स। एंड देन थर्ड क्वेश्चन है, राइट नेम ऑफ दूस एनिमल्स इन विच दिस वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर फंक्शनल। मतलब आपने जो ऊपर आंसर लिखा है ईयर मसल्स एंड अपेंडिक्स, आपको बताना है कि ये जो वेस्टिजियल ऑर्गन है ये किन एनिमल्स के अंदर फंक्शनल है। सो जो ईयर मसल्स है ये मंकीज में फंक्शनल है, और जो अपेंडिक्स रहता है जो ह्यूमन में एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन कंसिडर होता है, अपेंडिक्स ये रिमिनेंट्स के अंदर फंक्शनल है, फुली फंक्शनल ऑर्गन है। क्वेश्चन नंबर 8, रीड द स्टेटमेंट एंड आंसर अकॉर्डिंगली। देखिए यहाँ पे टोटल 3 स्टेटमेंट गिवन है। पहला है, कैल्शियरियस स्पाइंस आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी, ट्यूब फीट आर यूज फॉर लोकोमोशन एंड कैप्चरिंग प्रे ऑल्सो, आइडेंटिफाई द फाइलम एंड गिव 1 एग्जाम्पल। ये डिस्क्रिप्शन के बेस पर आपको आइडेंटिफाई करना था फाइलम को और उसका एक एग्जाम्पल लिखना था। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है ये फाइलम एकिनोडर्माटा का है और इसका एक एग्जाम्पल है स्टार फिश। सेकेंड डिस्क्रिप्शन है, आई लिव इन योर स्मॉल इंटेस्टाइन, सीडोसोलम इज प्रेजेंट इन थ्रेड लाइक बॉडी, आइडेंटिफाई द फाइलम एंड गिव 1 एग्जाम्पल। सो इसका आंसर आएगा फाइलम एस्केल्मिंथेस और एग्जाम्पल आएगा एस्कैरिस। उसके बाद सी, माई बॉडी इज स्पिंडल शेप्ड, आई रिस्पायर विद द हेल्प ऑफ गिल्स, आइडेंटिफाई माई क्लास एंड गिव 1 एग्जाम्पल। सो यहाँ पे जो क्लास आएगा वो रहेगा क्लास पिस्कस और इसका एग्जाम्पल आएगा रोहू। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, आंसर एनी 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर टोटल 5 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के लिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बेस पर टोटल 5 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑर्गन स्पर्म्स आर फॉर्म्ड। सो इसका आंसर आएगा टेस्टिस। सेकंड है, लेंथ ऑफ स्पर्म, लेंथ ऑफ स्पर्म होता है 60 माइक्रोमीटर। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्क ऑफ वॉस डिफरेंस। सो जो वॉस डिफरेंस ट्यूब रहता है इसका जो मेन काम रहता है वो रहता है ट्रांसपोर्ट करना स्पर्म सेल्स को कहाँ से कहाँ तक, एपिडिडाइमिस से लेके यूरेथ्रा तक बिफोर इजेक्युलेशन। उसके बाद फोर्थ है, बाय विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन स्पर्म्स आर फॉर्म्ड। सो इसका सिंपल आंसर है मियोसिस। एंड द लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम एनी 2 अनपेड ऑर्गन्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 2 अनपेड ऑर्गन्स क्या क्या है, लाइक प्रोस्टेट ग्लैंड एंड पेनिस, ये अनपेड ऑर्गन्स है। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको इस फ्लो चार्ट को कंप्लीट करना है, ये 2 मार्क्स के लिए, क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज। सो इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर आएगा एंडेंजर्ड स्पीशीज, रेयर स्पीशीज, वल्नरेबल स्पीशीज एंड इनडिटर्मिनेट स्पीशीज। उसके बाद यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन बी, हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व, गिव एनी 4 पॉइंट्स। ये भी 2 मार्क्स के लिए। तो देखिए ये 2 मार्क्स का आंसर, बायोडाइवर्सिटी कैन बी कंजर्व बाय, और आपको एनी 4 पॉइंट्स लिखने थे। अब उसके बाद यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फ्लो चार्ट 1 मार्क्स के लिए, कलर्स ऑफ द पेजेस इन रेड लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। सो जो रेड लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज है इसके अंदर जो पेजेस रहते हैं उसके 2 कलर रहते हैं, एक रहता है पिंक कलर और एक रहता है ग्रीन कलर। सो इसका आंसर आएगा पिंक एंड ग्रीन। सो स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट सॉल्यूशन था। प्लीज वीडियो को लाइक, अपने सभी 10th क्लास के फ्रेंड्स को शेयर करो, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। PDF की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है, आप वहां से क्लिक करके PDF को देख सकते हो।